Start. मैं मोहम्मद युबयान सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मैं गुजारिश करता हूं मुझे ये नहीं समझ आ रहे तुम पंचायत इलेक्शन जिला रियासी और रामबन में भी कराने जा रहे हैं और अभी तक यहां मैं सारे लोकल ऑफिसर बैठे हैं यहाँ के नायब तहसीलदार यहाँ के तहसीलदार यहाँ के BDOs यहाँ के ZEOs यहाँ के हेड मास्टर्स ये नहीं मुझे समझ आती आप कैसे साफ सुथरा इलेक्शन कराओगे आपने यहाँ के लोकल ऑफिसर लोकल एरिया में बिठा कर रखे हैं मैं चीफ इलेक्टर ऑफिसर साहब से ये अपील करता हूँ ये जो नामिनेशन पेपर्स 6 नवंबर से शुरू हो रहे हैं इससे पहले यहाँ के तमाम लोकल BDOs ZEOs मास्टर ग्रेड्स और तहसीलदार और नायब तहसीलदार को आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कीजिए ताकि साफ सुथरा इलेक्शन हो जाए क्योंकि हम आम आदमी पार्टी भी जब पूरे दोनों ज़िला में इलेक्शन में जा रही है और आम आदमी पार्टी का ये वाजा फैसला है हम साफ सुथरा इलेक्शन कराना चाहते हैं हम ये कांग्रेस और BJP की धांधलियों को नहीं चाहते हैं इन्हें पूरे देश में धांधलियाँ की हम पहले ही कहते हैं इनकी धांधलियों को रोको इनकी बदमाशियों को रोको इनके साथ लोग नहीं हैं लेकिन आपसे गुजारिश करते हैं आप क्यों खामोश बैठे हैं सबसे पहले इनको शिफ्ट कीजिए उसके बाद इलेक्शन अगर आप इन लोकल अफसरों को शिफ्ट नहीं करोगे हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है दोनों जिला में हम इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ेंगे ना हमारा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से होगा ना हमारा कारकुन कोई काम करेगा क्योंकि आप साफ सुथरा इलेक्शन करने नहीं जा रहे हैं लिहाजा फिर मैं गुजारिश करता हूँ इन लोगों को आप यहाँ से शिफ्ट कीजिए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कीजिए दूसरे जिला के लोगों को यहाँ लाइए ताकि यहाँ साफ सुथरा इलेक्शन हो जाए क्योंकि इस इलाके के अंदर हमेशा ये धांधलियाँ होती रही है अगर आप साफ कहते हैं कि मैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये गुजारिश करता हूँ इन दोनों जिला के ये फार फलांग एरियाज है बहुत पैदल चलना पड़ता है बड़ा पहाड़ी इलाका है यहाँ के लोग शरीफ और सादे हैं और ये साफ वकास के हक में है तहमीर और तरक्की के हक में है इलेक्शन के हक में लिहाजा आपसे मैं गुजारिश करता हूँ इन लोगों को यहाँ से फौरन तब्दील कीजिए और ताकि यहाँ साफ सुथरा इलेक्शन हो नहीं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अगर ये लोकल ऑफिसर लोकल एरिया में रहे तो हम इलेक्शन नहीं